নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। ভাৰতত যথেষ্ট সংখ্যক মুছলমান ৰাইজ আছে আৰু ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ বাবেই ভাৰতত মুছলমান আটাইতকৈ সুৰক্ষিত আৰু সুখী, এই দাবী কৰিছে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱত। ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি দাবী কৰিছে RSS প্ৰধানৰ মতে। ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰতেই মুছলমান সুৰক্ষিত আৰু আটাইতকৈ সুখী, RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ এই দাবী। অখিল ভাৰতীয় কাৰ্যকৰ্তা মণ্ডলৰ বৈঠকত এই মন্তব্য কৰিছে RSS প্ৰধানগৰাকীয়ে। উৰিষ্যাত হৈছিল এখন বৈঠক আৰু তাতেই এই বক্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ বাবেই বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মুছলমান যদি সুৰক্ষিত আৰু সুখী, তেন্তে সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ভাৰততেই। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के आने से हमारी उन्नति, गलत बात है। हम क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना गोरे लोग हमारे देश में नहीं आते तो भी वेदों के आधार पर कर सकते हैं। हमारी परंपरा क्या है, हमारी एकता का आधार क्या है, हमारा राष्ट्र कौन सा है, इसके बारे में समान धारणा सर्वत्र अपने देश में विद्यमान थी। अंग्रेजों की राजनीति के निकट जाकर उसको जिन लोगों ने छुआ अथवा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो राजनीतिक समीकरण बदले, उनमें जिनके स्वार्थ उभर कर आए, उनकी भाषा अलग हो गई स्वार्थों के कारण। वरना सत्य ये है, हम हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं, भाषा का नाम नहीं, किसी प्रांत प्रदेश का नाम नहीं। हिंदू एक संस्कृति का नाम है जो भारत में रहने वाली सबकी सांस्कृतिक विरासत है। वो संस्कृति एक वैशिष्ट्यपूर्ण विविधताओं को स्वीकार और सम्मान करने वाली संस्कृति है, दुनिया में एकमात्र ऐसी है। इसलिए विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो, लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यहां हर दलित को उद्धार दी, हर पतित को पुचकार दी, यह हमारा इतिहास रहा है। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू संगठन कर रहा है। আৰু সেয়া আছিল RSS প্ৰধানৰ মন্তব্য। বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সুখী মুছলমান ভাৰতত পোৱা যায়। সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত সুখী মুছলমান কেৱল ভাৰতত পোৱা যায়, কাৰণ ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ। এই মন্তব্য মোহন ভাগৱতৰ। ও কহতে কি লোকক লাগতা হয় কি অংগ্ৰেজো কে আনে চে হামাৰি উন্নতি, গলত বাত হে। हम क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना गोरे लोग हमारे देश में नहीं आते तो भी वेदों के आधार पर कर सकते हैं। हमारी परंपरा क्या है, हमारी एकता का आधार क्या है, हमारा राष्ट्र कौन सा है, इसके बारे में समान धारणा सर्वत्र अपने देश में विद्यमान थी। अंग्रेजों की राजनीति के निकट जाकर उसको जिन लोगों ने छुआ अथवा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो राजनीतिक समीकरण बदले, उनमें जिनके स्वार्थ उभर कर आए, उनकी भाषा अलग हो गई स्वार्थों के कारण। वरना सत्य ये है, हम हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं, भाषा का नाम नहीं, किसी प्रांत प्रदेश का नाम नहीं। हिंदू एक संस्कृति का नाम है जो भारत में रहने वाली सबकी सांस्कृतिक विरासत है। वो संस्कृति एक वैशिष्ट्यपूर्ण विविधताओं को स्वीकार और सम्मान करने वाली संस्कृति है, दुनिया में एकमात्र ऐसी है। इसलिए विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो, लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यहां हर दलित को उद्धार दी, हर पतित को पुचकार दी, यह हमारा इतिहास रहा है। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है।
विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू संगठन कर रहा है। अब हिंदू संगठन कर